पांच डीजे एक साथ बजेंगे तो क्या होगा? एक डीजे बजता है तो कान के पर्दे हिलने लगते हैं, लेकिन जब पांच डीजे बजेंगे तो क्या हड़कंप मचेगा? क्या हमारे कान के पर्दे फट जाएंगे, चीजें हिलने डुलने लग जाएगी, या फिर भूकंप आ जाएगा? तो दोस्तों, पांच डीजे जब एक साथ बजेंगे तो कितनी ज्यादा हलचल पैदा होगी, तो लास्ट तक वीडियो देखिए। सारे के सारे जो ऑपरेटर है, सारे के सारे ड्राइवर है, और सब डीजे जो है ना वो बिल्कुल तैयार है। तो आप लोग भी देखोगे ना तो यार दिल खुश हो जाएगा। तो 1 2 3 तो गाइस, यहाँ पर जो है पांचों डीजे बिल्कुल पावरफुल, धमाकेदार, धाकड़, एक से बढ़कर एक यहाँ पर रेडी है। सबसे पहले रॉक स्टार डीजे है, बहुत पावरफुल, फिर वीर तेजा डीजे, ये भी पावरफुल है। इसके बाद बारी आती है यहाँ पर श्याम डीजे की, काफी गजब का है, और इसको तो आपने देखा ही होगा, चौधरी डीजे, हमारे पिछले वीडियो के अंदर धमाका मचाते हुए। यहाँ पर है गजानन डीजे, ये भी बहुत पावरफुल है, और पांचों के पांचों डीजे है जो आज धमाका करने के लिए बिल्कुल तैयार है, इस ग्राउंड के अंदर पूरा गुंजाने के लिए। तो गाइज, सभी के सभी राजस्थान के फेमस डीजे जिनको हमने यहाँ पर बुलाया है, और गाइज मैं बताऊँ आपकी जानकारी के लिए, तो गाइज एक डीजे के अंदर लगे होते हैं बड़े बड़े 16 स्पीकर। तो गाइज आप मल्टीप्लाई कर लो 16 × 5, सारे स्पीकर और सारे डीजे एक साथ बजेंगे तो यहाँ पर क्या माहौल क्रिएट होगा। मेरे हिसाब से डीजे बजते ही हमारी जो डांस है, नाचना, हमारे पैर थिरकना शुरू हो जाएंगे। तो गाइज यार, आप लोग इन डीजे को पीछे की तरफ से अच्छी तरीके से देख लो, और जब एक डीजे बजता है तो हमारी कानों की जो खिड़कियां है वो खुलने स्टार्ट हो जाती है। तो हमारे पास यहाँ पर एक नहीं बल्कि पांच पांच एक जैसे डीजे है, और इन डीजे के बीच में हम लोग कुछ चीजों को रख देंगे, यानी कि किसी लोहे की चीज को या फिर किसी ड्रम को रख देंगे, तो उनकी क्या हालत होगी। तो आप फटाफट से क्या करते हैं, डीजे को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इनका रिएक्शन, जब ये एक साथ पांच बजेंगे ना तो क्या होगा। तो फटाफट से शुरू करते हैं। Thank you.
प्रेशर है, लेकिन उसके बावजूद भी कानों के पर्दे गाइस बिल्कुल पूरी तरीके से हिल रहे हैं भाई। गाइस जो कलेजा है वो भी धक धक कर रहा है और यहाँ पर कानों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है। मैं तो वहाँ से अंगुली हटा ही नहीं पाया गाइस, सच में यार बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। तो अब जो है ना ये ड्रम रखते हैं और उसके बाद में रखते हैं एक लोहे का चादर। हमें तो भाई कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था और आई थिंक ये जो माइक है ना वो इतने डेसिबल में रिकॉर्ड भी नहीं करता होगा। जिन जिनको पता है ये भी एक नॉर्मल डेसिबल रिकॉर्ड करता है, लेकिन यहाँ पर जो है ना डेसिबल हद से पार हो गई थी। अब जाके जो है ना ये पांचों डीजे जो है बंद हुए हैं और मैं हमारे जो कान है ना, कान गला पेट हाथ पैर सब जो है ना पता नहीं यार कैसे रिएक्ट करने लग गए थे और ध्वनि की जो इतनी डेसिबल देख के यार मैंने तो आज तक इतनी डेसिबल में कभी मेरे कान गए नहीं। हमारी हालत खराब हो गई। इसको देखो भाई मेरी भी हालत खराब हो गई। यहाँ पर आप लोगों ने ड्रम थाली चम्मच सबको नाचते हुए देखा होगा, लेकिन हमारी जो बॉडी की कंडीशन है ना वो आप लोगों को समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन सच में बता रहा हूँ जो मेरा गला है जो मेरे बाकी के पार्ट है वो भी हिल रहे थे भाई, और जो गला है अभी भी मेरा काफी भारी हो चुका है। इसकी कंडीशन देखो। और भाई जैसे ही पांचों डीजे एक साथ स्टार्ट हुए गाइस एक बार का तो भूकंप ही आ गया था और हमारे कान के पर्दे फटने लगे थे भाई। तो गाइस यार साउंड इतना खतरनाक था कि यार सब जो है कुछ सेकंड के लिए यहाँ रुक पा रहे थे, बाकी भाग रहे थे। तो यार वीडियो में काफी मजा आया, पांच डीजे एक साथ साउंड उनका आपको देखने को मिला। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान जय हिंदुस्तान।